ये मछली मरने के बाद भी जिंदा रहती है। मजाक से हट के ये हर साल अपने आप को एक चैलेंज देती है, खतरनाक झरने को क्रॉस करने का, ताकि ये फ्रेश वाटर में जा सके। लेकिन ऐसा करने पर ये बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और इसी वजह से इसके शरीर पर खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस लोग अटैक कर देते हैं और ये धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगती है। लेकिन मेरा दिमाग तो तब खराब हुआ जब मुझे पता चला ये ज़ॉम्बी बनने के बाद भी मम्मी और पापा बन सकते हैं। लेकिन क्या ये मछली इंसानों के लिए खतरनाक है वो जानने से पहले, अगर आप कोई गंदे ज़ॉम्बी मछली नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक जिंदा इंसान है, ज़ॉम्बी मछली नहीं। तो ये है सैल्मन फिश, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। आप लोगों ने कभी रियल ज़ॉम्बी